Role of the physiotherapist as educator. The educational requirements of our physiotherapist needed to be standardized. ये थोड़ी सी हिस्ट्री बताई हुई है कि रोल ऑफ फिजिकल थेरेपी एज अ एजुकेटर या उसका क्यूरिकुलम बनाने की जरूरत क्यों पेश आई. The educational requirement for physiotherapists needed to be standardized, and in 1929, the American Physiotherapy Association suggested a curriculum to be used as minimum standard for school of physiotherapy. 1929 में American Physiotherapy Association ने एक standardized curriculum बताया था कि किसी भी school को physiotherapy का course करवाने के लिए, जो भी diploma course था, जो हम पहले history में कर चुके हैं कि कितने अरसे का पहले डिप्लोमा कोर्स डिजाइन किया था, फिर कितने अरसे बाद उसको चेंज किया था, वो क्यूरिकुलम बताया था 1929 में पहली दफा. इन 1930 स्कूल्स एक्सीडेड दीज स्टैंडर्ड्स एज डिटरमाइंड बाय द काउंसिल ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड हॉस्पिटल्स ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन. 1930 में इस जो क्राइटेरिया 1929 में डिसाइड किया गया था, उस क्राइटेरिया को मॉडिफाई करके क्राइटेरिया को एक्सीड किया गया और उसको उसको अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की काउंसिल से एक्रेडिट करवाया गया. इन 1956 टू 1976 इस अरसे के दौरान द अमेरिकन फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन कोलैबोरेटेड विद एएमए टू अप्रूव फिजिकल थेरेपी एजुकेशनल प्रोग्राम. जो क्राइटेरिया मॉडिफाई किया था एएमए ने, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने, उसने 1957 टू 1976 के दौरान एएमए ने अपनी एक्रेडिटेशन एप्टा के साथ कोलैबोरेट कर ली. ये दोनों एक ही हो गए और जो है इन्होंने कोर्स करिकुलम को मॉडिफाई भी किया और उसको एक्सीड भी किया. इन 1977 द एप्टास कमीशन ऑन एक्रेडिटेशन इन फिजिकल थेरेपी बिकम्स द रिकॉग्नाइज्ड एक्रेडिटिंग बॉडी फॉर फिजिकल थेरेपी एजुकेशनल प्रोग्राम. The criteria for accreditation were modified. जो इस वक्त हमारे पास criteria है physiotherapy का, वो modified हुआ था in 1996 to incorporate language and concept from APTA's guide to physical therapy practice. उसमें जो criteria लिखा हुआ है वो 1996 में modify हुआ था, जो हम इस वक्त use कर रहे हैं. ठीक है, 2020 तक आते आते physical therapy will be provided by physical therapists who are doctor of physical therapy. Most practicing PTs hold bachelor of science degree program, but new graduates hold the masters or doctor of physical therapy degree program. यहाँ तक पहुँचते मतलब 2020 तक पहुँचते 1996 में criteria modify कर दिया था, तो तकरीबन एक अरसे तक लोगों के पास सिर्फ बीएस डिग्री होती थी. तो अब हमारे पास इस वक्त जो प्रैक्टिशनर काम कर रहे हैं वो एटलीस्ट बीएस क्वालिफाइड हैं, नहीं तो, और जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उन जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके पास या तो मास्टर्स की डिग्री है या फिर वो डीपीटी करते हैं. कॉन्टेम्प्रेरी एजुकेशनल रोल ऑफ फिजिकल थेरेपी. पीटी सर्व्स एज एजुकेटर एट अ वैरायटी ऑफ लेवल. अलग अलग लेवल पे एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है. एजुकेशन जस्ट बेस्ड नहीं करती कि आप एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में काम करते हैं और आपका काम सिर्फ टीचिंग है, आप सिर्फ जाके पढ़ाते हैं, सिर्फ वो रोल नहीं है एज अ एजुकेटर. फॉर द पेशेंट इंस्ट्रक्शंस टू टीचिंग एज टेन्योर्ड प्रोफेसर्स टीचिंग अपॉर्चुनिटी देयरफॉर कैन बी अ नंबर ऑफ फॉर्म. ये अलग अलग तरीकों से की जा सकती है. इनफॉर्मल शॉर्ट क्लासेस, इन सर्विस कोर्स फॉर अदर स्टाफ मेंबर्स टू अपडेट इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर स्पेशल स्किल्स. क्लिनिकल्स में रहते हुए इनफॉर्मल, मतलब फॉर्मली आपने एक क्लास नहीं ली है लेकिन आपने एक बैठ के ग्रुप डिस्कशन किसी भी केस के बारे में कर लिया, वो आपकी कहलाती है आपने शॉर्ट क्लास ली है. ठीक है, सर्विस में रहते हुए आप कोई दिन मेंशन कर देते हैं कि इस दिन ये किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन होगी, इस पर रिसर्च बेस्ड बात करेंगे, नई रिसर्च इसको टॉपिक को लेकर क्या आई है, वो आप चाहे एजुकेशन को एनहांस करने के लिए कर रहे हो, वो चाहे आप क्लिनिकल सेटअप में कर रहे हो या एकेडमिक सेटअप में कर रहे हो, लेकिन अपनी एजुकेशन एनहांस करने के लिए स्टाफ मेंबर्स के साथ
इंफॉर्मेशन अपडेट करने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाए उसको भी एज अ एजुकेटर रोल प्ले किया जाता है. कंटिन्यूइंग एजुकेशन कोर्सेज, कुछ इंस्टीट्यूट जो होते हैं एजुकेशनल या क्लिनिकल, वो अपने क्लिनिकल होंगे तो वो क्लिनिकल लिहाज से इवनिंग प्रोग्राम में या मॉर्निंग में इस तरह फ्री टाइम में कुछ कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि आपको ये कोर्सेज करने हैं. वो मैंडेटरी भी होते हैं और नॉन मैंडेटरी भी, कि आपको अपनी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए करना है तो वो भी आपके रोल एज अ एजुकेटर में आएगा. क्लिनिकल इंस्ट्रक्शंस, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर और सेंटर कोऑर्डिनेटिंग ऑफ क्लिनिकल एजुकेशन, एकेडमिक प्रोग्राम, एडजॉइंट फैकल्टी मेंबर, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर ऑफ क्लिनिकल एजुकेशन और फुल टाइम टेन्योर ट्रैक फैकल्टी मेंबर. एकेडमिक प्रोग्राम तो टोटली एकेडमिक एज अ एजुकेटर ही जाएगा. ये थे फॉर्म्स ऑफ टीचिंग, आप टीचिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं. टीचिंग करने के लिए सबसे आपका मेन टूल जो होता है वो होता है प्रेजेंटेशन. जब तक आपके पास विजुअलाइज कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, सामने कोई चीज चल नहीं रही होगी, तो एक बंदे की जो है तकरीर बहुत कम लोग ध्यान से सुनते हैं. तो टिप्स फॉर गिविंग अ गुड प्रेजेंटेशन, गुड प्रेजेंटेशन, एक अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती है. डिटरमाइनिंग द सिंगल ओवरराइडिंग कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव, दैट इज द सिंगल पर्पस ऑफ योर प्रेजेंटेशन. आपको आपकी प्रेजेंटेशन में कोई भी एक कॉन्सेप्ट लेके आगे चलना है. मेक श्योर यू नो व्हाई यू आर मेकिंग द प्रेजेंटेशन, टू सेल, टू टीच, टू मोटिवेट और टू परसू. आपको प्रेजेंटेशन बनाते वक्त पता होना चाहिए कि आप ये प्रेजेंटेशन क्यों बना रहे हैं. जिस तरह कोई भी मेडिसिन, ये जो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ये प्रेजेंटेशंस जब बनाते हैं तो ये उसके सिर्फ बेनिफिट्स लिखते हैं, साइड इफेक्ट्स कम बता रहे होते हैं, ज्यादा बेनिफिट्स बता रहे होते हैं. तो आपके माइंड में होना चाहिए कि आप ये प्रेजेंटेशन किस पर्पस के लिए बना रहे हैं, तो आप उसमें वो पॉइंट्स डालने पे ज्यादा फोकस करेंगे. ऑलवेज प्लान व्हाट यू आर गोइंग टू से. ईच विजुअल शुड सपोर्ट द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन. अवॉइड कॉम्प्लेक्स डेटा एंड एक्सेसिव इंफॉर्मेशन. Less information means less distraction. As a general guideline, use 5 slides in 10 minutes presentation. अगर आपको 10 मिनट का टाइम दिया गया है तो उसमें 5 स्लाइड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप मटेरियल एक प्रेजेंटेशन में डाल देंगे, एक स्लाइड में डाल देंगे, वो उतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन कॉज करेगा. यूज ग्राफिक्स rather than lots of text to portray concept. विजुअलाइज, जैसे मैंने बोला, विजुअलाइज कॉन्सेप्ट ज्यादा देर तक आपकी मेमोरी में सेव रहते हैं टेक्स्ट की बनिस्बत. जितना ज्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, अगर वो टेक्स्ट एक तस्वीर में, किसी ग्राफ में, किसी भी ग्राफ में प्रॉपरली विजुअलाइज हो रहा है, तो आप वो ग्राफ डालें. आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी भी हो जाती है और मोर फोकस्ड रहती है, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करती है. Hand out more material than you say and say more than you should. सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने, आपको जो जो बोलना है, जितना भी बोलना है, वो सब प्रेजेंटेशन में लिख दे. इसीलिए हम लोगों को बुक्स रेफर करनी होती है. प्रेजेंटेशन पे आप मेन पॉइंट लिख देते हैं जो आपने एज अ इंट्रोडक्शन या समराइज करके पूरे चैप्टर में से बनाया है. अब आपका काम पूरा चैप्टर पढ़ना ही है. स्टूडेंट का काम, आपकी जो ऑडियंस है उसका, उसकी नॉलेज या तो हैंडआउट्स होंगे या वो मटेरियल जो आपको प्रोवाइड किया गया है उसमें से सब कुछ पढ़ना है. ये नहीं कि जो प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है बस वही फोकस्ड है. कीप हैंडआउट्स सिंपल एंड कंसिस्टेंट. अवॉइड यूजिंग मल्टीपल कलर, टेक्सचर एंड फॉन्ट. An audience that is too aware of color, typeface and layout will be less aware of point of presentation. Make your point without overwhelming the audience. A simple, clear presentation made in a quiet, confident and friendly manner result greater retention of material. जितनी ज्यादा simplified होगी उतनी ज्यादा वो sustain करेगी आपकी memory में. Pay attention to background colors you use in your presentation material because they can affect the mood of the audience.
मूड पे इस तरह कि अगर कलर इस तरह का बहुत ज्यादा पिंचिंग हो रहा है, येलो कलर, हर कलर के दो तरह होते हैं, या तो वो बहुत ज्यादा वार्म शो कर रहा होता है, कलर्स को हमेशा कूल पॉइंट पे रखना चाहिए, लाइट पॉइंट में रखना चाहिए ताकि वो ऑडियंस की आंखों को ज्यादा, अगर आप वार्म कलर्स की तरफ जाएंगे तो वो जो आपकी ऑडियंस है वो थोड़ी देर में ही आपकी प्रेजेंटेशन से बेजार होने लगेगी, उसकी आंखें थकने लगेंगी। टीचिंग अपॉर्चुनिटी इन कंटिन्यूइंग एजुकेशन, एन एंटरप्रेन्योर पीटीज कैन क्रिएट कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम, ऑल्दो दिस रिक्वायर्स स्किल्स बियॉन्ड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, फॉर ईच कोर्स ऑफर्ड द फॉलोइंग कंपोनेंट मस्ट बी एड्रेस्ड: टारगेटेड ऑडियंस एंड मार्केटिंग प्लान, clearly defined rationale and learning objective, learning outcome, instructional strategies, presentation formats, audio visual or other technological expertise required to present content, length of course. Education को continue करना, या तो आप उसी organization में रहते हुए, ये वो points है जो आप उसी organization में रहते हुए अपनी जो opportunities है अपनी education को फर्दरली आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो टारगेटेड ऑडियंस होगी कि आपको अपनी ऑडियंस में से किसको टारगेट करके, अगर जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उस लिहाज से आप अपने सेमिनार का, जैसे 2 दिन का सेमिनार होता है, 3 दिन का सेमिनार होता है, इस तरह वो टॉपिक टारगेट करेंगे जो आपको मोस्टली नीडेड है अपनी ऑडियंस को बताना, ठीक है। फिर उसके लिए आपके लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, किस तरह की आपको स्ट्रेटेजीज रहेंगे, प्रेजेंटेशन किस तरह बनेगी, आपको किस तरह के विजुअल्स यूज करने हैं और उस कोर्स की लेंथ कितनी है। मैंने एग्जांपल दी 2 या 3 दिन का सेमिनार, 1 महीने के भी कोर्सेज होते हैं, ये उन कोर्सेज के बारे में। डिटरमिनेशंस ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन यूनिट्स टू बी अवॉर्डेड: अप्रूवल ऑफ कोर्स बाय द एप्रोप्रिएट क्रेडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, प्लान फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अटेंडेंस एंड फिलिंग द परमानेंट रिकॉर्ड, फी फॉर द कोर्स बेस्ड ऑन एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट, कोर्स इवेल्युएशन मेथड कि आपने कोर्स करवा दिया उसके बाद एक इवेल्युएटिव प्रोग्राम होना चाहिए कि आपकी सामने ऑडियंस को क्या समझ आया जो भी कोर्स हुआ है उसका। हम आते हैं अब थ्योरीज ऑफ लर्निंग पे। थ्योरीज ऑफ लर्निंग में बुक में बताई हुई है आपको 4 थ्योरीज: बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड एंड्रागोगी। ये बुक में आपकी 4 इस तरह का टेबल बना हुआ है और इसमें इस तरह की थ्योरीज डिस्क्राइब की गई हैं, इसमें इसकी स्ट्रेटजीज, वीकनेस, ये सब बताई गई है, ठीक है। अब हम पहले डिस्कस करते हैं बिहेवियरिज्म। सबसे पहली थ्योरी है बिहेवियरिज्म पे। बिहेवियरिज्म अज्यूम्स लर्नर इज एसेंशियली पैसिव, विल बी शेप्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ये बिहेवियरिज्म की जो स्टडी है ये बताई थी एरिस्टोटल, हॉब्स, पेवलोव, वर्टसन और स्किनर। इन्होंने ये आप थ्योरी बताई थी, ये कहते हैं कि आप जो लर्निंग प्रोग्राम होता है वो बिहेवियर की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी पे बेस करता है, कि आप उसको जबरदस्ती, मतलब कोई भी चीज इम्पोर्स कर रहे हैं वो पॉजिटिविटी, पॉजिटिव बिहेवियर में कर रहे हैं या नेगेटिव बिहेवियर में कर रहे हैं, जो भी लर्निंग हो रही है वो बिहेवियर पे डिपेंड करती है। जितना अच्छा बिहेवियर होगा, मतलब जितना अच्छा पॉजिटिव बिहेवियर होगा उतनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर हम आ जाते हैं कॉग्निटिविज्म पे। कॉग्निटिविज्म की थ्योरी बताई है टॉलमैन एंड बंदूरा ने। अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिविज्म क्या होता है इसमें कि दिमाग में, ये कॉग्निटिविटी के बारे में है, माइंड में व्हाट हैपेंस इन माइंड सच एज थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कुछ सोच रहा है या कुछ जो उलझनों को प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस की तरफ जा रहा है। न्यू नॉलेज इज बिल्ट ऑन प्रायर नॉलेज, जो नई नॉलेज आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक बना रही होती है, एक बैकग्राउंड के साथ आगे जा रही होती है, प्रायर नॉलेज के साथ उसको कनेक्ट करके आगे चलते हैं, वो कहलाती है कॉग्निटिविज्म। फिर हम आते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म में। बार्लेट्स, वर्नर, पाइगेट्स और
इन लोगों ने ये थ्योरी बताई थी। कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहते हैं कॉन्टेक्स्टुलाइज पर्पस ऑफ थिंकिंग रादर देन एक्वायरिंग इट। जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्टुलाइजिंग फंक्शन होगा, कॉन्टेक्स्टुलाइज प्रोसेस होगा आपके डिलीवर करने का, उतना अच्छा थिंकिंग प्रोसेस होगा। थिंकिंग मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आप उतना ज्यादा इजीली लर्नर के लिए होगा कि वो उसको एडॉप्ट कर सके। आया थोपने के बस उसको बता दिया कि ये प्रोसेस इस तरह होता है, उसके कॉन्सेप्ट में नहीं गए तो उसको ज्यादा मुश्किल होगा एडॉप्ट करना। अब एंड्रागोगी नोवेल्स ने ये थ्योरी बताई थी। ये थ्योरी अप्लाई होती है स्पेसिफिकली ऑन अडल्ट्स, लर्निंग इन अडल्ट्स, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन इन अडल्ट। अडल्ट्स जो होते हैं वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, दे नो एक्सपर्ट डिसीजन, दे आर रेस्पॉन्सिबल टू टेक डिसीजन। उनको पता है कि उनको किस तरह से अपनी स्टडीज को लेके चलना है। इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं अडल्ट्स की अप्रोचेस के बारे में, उसको देख लीजिएगा, और इन थ्योरीज की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे भी फोकस करना है। ABCD मेथड ऑफ राइटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ईच लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैज फोर पार्ट्स। जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव आप बनाते हैं उसके चार पार्ट्स होते हैं। आपकी ऑडियंस की आपने किसको सिखाना है, आपकी ऑडियंस कैसी है, बिहेवियर किस तरह का बिहेवियर है उस ऑडियंस का, उन लर्नर्स का, तो उस बेस पे जाके आप अपनी प्रेजेंटेशन मतलब अपनी लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो बनाएंगे वो उस लिहाज से बनाएंगे। सी कंडीशंस, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ एक्शन, डिग्री, हाउ ऑफन विल इट बी डन, ठीक है। एथिकल लिटरेचर, PTs who want to pursue professional development by obtaining an academic position should consider the following factors: their level of self-confidence as an expert in some areas of physical therapy, their level of comfort with public speaking, their commitment to research and services as well as teaching, the importance of effective teaching and learning strategies, the complicated milieu of higher education and the responsibility inherent in the preparation of licensed professions। ये ethical rules हैं जो आपको अपनी study को आगे बढ़ाने में, being an educator होने में, learner होने में, इन ethical rules का ख्याल रखना। This is the end of the role of physiotherapist as educator।